ये कह रहे हैं कि इनफैक्ट इट इज इंश्योरेंस अरेस्ट, हाउ डू यू काउंटर दैट क्लेम बाय लीगल टीम? It's not about that we counter something called insurance and arrest. It is demeaning. And I think this should not be glorified because this is no term and you try to belittle the work and the courts because insurance, what do you, are you trying to say the entire system is against somebody? There is a agency which has taken a considered decision. There is a magistrate who has taken a considered decision. Then you can't keep on saying this court is also, suppose they lose this here also. Is this High Court is also complicit in that case? So you can't paint everybody black by, putting questions on arrest and then using such derogatory terms like insurance arrest. देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने बहस करी कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट है, ऐसा ऐसा ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि एजेंसी बहुत सोच समझ के होती है जब भी कुछ करती है. एजेंसी का काम को जज किया जाता है, एजेंसी के ऊपर कोर्ट्स बैठी हैं देखने के लिए कि उन्होंने अपना जो काम किया है वो ठीक तरह से किया है या गलत तरीके से किया है. उनको डिसिप्लिनरी डिसीजन भी हो सकता है, उनके एक्शन भी हो सकता है उनके खिलाफ. तो कोर्ट ने भी उसको सही माना, उसके मानने के बाद आप यहाँ पर आए हैं, आप यहाँ पर भी एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं. आप क्या ये भार डालना चाहते हैं कोर्ट के ऊपर कि आप देखिए कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके कि ये अरेस्ट ही गलत है इसलिए अलाउ कर दिया जाए. आप लीगली बहस करिए ना. इंश्योरेंस तो वो कोई स्टैट्यूट में कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई इंश्योरेंस अरेस्ट भी कोई चीज़ होती है. तो आप उसको एक मतलब देना चाहते हैं और वो भी गलत मतलब देना चाहते हैं. मेरा उसके खिलाफ ये था कि ये हमारे पास ऐसा नहीं कर सकता. विरोध इस बात को लेकर भी था कि रेगुलर बेल के लिए सीधे यहाँ पे आ गए. मैं एक एक करके रिलीज, तीन रिलीज ऑर्डर्स नहीं है. देखिए पहली बात, इलेक्शन के लिए एक बार उनको इजाजत दी गई थी, वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ज्वाइन करने के लिए करी गई थी. उसका मेरिट से और रिलीज से कोई ताल्लुक नहीं था, ये मैंने पढ़ के दिखाया कोर्ट में. दूसरी बारी जो बेल दी गई थी उनको, वो बेल हाई कोर्ट ने उसको अभी स्टे कर दिया है और उसके ऊपर 30 पेज का एक रीजन ऑर्डर दिया है कि क्यों ऐसा किया गया. तो आप उसको एकदम से ये नहीं कह सकते कि वो एक ऑर्डर पास हो गया था तो इसलिए रिलीज ऑर्डर हो गया. तीसरी और आखिरी चीज़ जो थी, सुप्रीम कोर्ट ने कराया, सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब बैठेगा कब नहीं बैठेगा, उन्होंने कहा कि इसलिए बिकॉज प्राइमा फेसी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी लिखी हैं ये देखी जाएंगी, तो उन्होंने इंटरिम बेल दे दी. और उन्होंने खास लिखा है इसका किसी भी मेरिट पे उनकी किसी चीज़ के ऊपर ओपिनियन नहीं दे रहे हैं. और उन्होंने ऐसा भी खास लिखा है कि ये बेल के लिए नहीं हम डील कर रहे हैं, सिर्फ अपील जो है 19 की उसी के लिए ही ऑर्डर है. और ये ऑर्डर रिजर्व किया गया था बहुत पहले, सुनाया अब गया है. देखिए कोर्ट, अभी मैं आपको क्या बताऊंगा मटेरियल क्या है क्योंकि वो अभी हम सामने नहीं रख सकते हैं. लेकिन कोर्ट को हमने, लोअर कोर्ट में भी हमने वो मटेरियल दिखाया, कोर्ट ने देखा, इनक्लोज किया था और उनको दिखाया गया था. यहाँ पर भी कोर्ट को आज मटेरियल दिखाने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ कोर्ट को लीगली दिखाना था कि हमने अरेस्ट जो किया है वो 41 और 41 ए के पैरामीटर्स को ध्यान रख के ही किया है. हमारा अरेस्ट विद इन द लॉ है, विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉ है, जस्टिफाइड है, नेसेसरी भी था, इसलिए हमने किया. और वो कोर्ट को हमने बहस रखी है. जो फैक्ट्स हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, वो बेल के दौरान हम रखेंगे. मैंने ये कहा है कि देखिए हर केस में ज्यूरिसडिक्शन है, जितने भी तमाम लोग हैं जो सेशंस की ट्रायल बिल केसेस हैं वो सीधा का सीधा आप सेशन पे भी जा सकते हैं, आप यहाँ पर हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं. तो क्या ऐसा कानून तो है, वो किसी किसी खास वजह से जस्टिफाइड होता है इसलिए अलाउ किया गया है. 10-12 जजमेंट हैं उसके ऊपर हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट की मिला के. पर बात सिर्फ ये है कि इस केस में क्या वो जस्टिफाइड है, क्योंकि चार चार शीट्स जो हैं वो
लोअर कोर्ट में जज के पास हैं, जो जज ने देखी हैं, तो जज को एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता है, तो पहले वो अगर वहाँ बहस होगी तो वो जज उसके ऊपर फाइंडिंग दे सकता है। और कौन कहता है कि वो जज बेल नहीं दे सकता, उसके पास भी तो वही पावर्स हैं। तो आप पहले वहाँ जाइए जहाँ पर मटेरियल है सब कुछ, इस कोर्ट के पास ना तो वो मटेरियल हम रख सकते ना आ सकता, ना इतना ये कोर्ट उस ट्रायल कोर्ट का मुकाबला कर सकती टू शिफ्ट द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड। आज का ऑर्डर ये था कि उसके ऊपर आर्गुमेंट्स हो गए हैं रिट के ऊपर कि अरेस्ट इलीगल था या लीगल था, इसके ऊपर कोर्ट फैसला सुनाएगी। तो दूसरा पक्ष जो था केजरीवाल जी का, वो चाह रहा था कि आप बेल भी सुन लीजिए, उन्होंने कहा बेल हम नहीं सुनेंगे, पहले हम ये करेंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर आप बेल इंटरिम बेल भी देख लीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम इसके ऊपर फैसला सुनाएंगे, इलीगल अरेस्ट था या नहीं था, और दूसरा अगर इंटरिम बेल की व्यवस्था जस्टिफाइड है तो वो भी हम कंसिडर करेंगे, पर बेल के लिए उन्होंने 29 तारीख लगाई है।